हेलो। हो गया स्टार्ट। वो सॉफ्टवेयर का मसला था, डिटेक्ट नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर वाली, तो मैंने विजुअल कंपोज ये स्टूडियो कोड जो है इसको ऑफ करके ऑन किया दोबारा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ गई गो लाइव की। अब ये फैन पीछे वाला कैमरा ऑफ कर दे, इसकी आवाज़ आती है। अब मैं अगर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ ना, तो इसने खुद ही मेरी फाइल ओपन कर दी, मुझे डबल क्लिक करके ओपन ही करनी पड़ी। प्लस ये मुझे हॉट रीलोड देगा। हॉट रीलोड का मतलब ये है कि ये बिल्कुल चेंजेस लाइफ टाइम पे यहाँ पे इम्पैक्ट होंगी। जैसे मैं कोड में चेंज करूँगा, फ़ौरन से यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएंगे चेंजेस। लेट्स से यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। जैसे मैं सेव करूँगा वो ऑटोमेटिकली लोड हो गया मेरे पास वहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर दो काम करता है, एक आपको साइट सर्वर के थ्रू लोड करवाता है और हॉट लोडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो आज के लेक्चर पे चलते हैं। मैं इधर ओके नहीं, मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ लेक्चर 02.js। इस फाइल को कमेंट आउट करके यहाँ पे मैं आज की फाइल जो हम लोगों ने बनाई है वो इंक्लूड कर लेते हैं। सोर्स lecture2.js, ये फाइल बंद कर देते हैं। lecture2.js पे कुछ लगा के चेक कर लेते हैं कि चल गई है फाइल। console.log फाइल, ठीक है, आ गया मेरे पास फाइल। इसको भी थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे, आज हम लोग कुछ नंबर मेथड्स देखते हैं। पहले नंबर मेथड में सबसे पहले टू स्ट्रिंग है, तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसमें मैंने दो इंटीजर सेव किया हुआ। इसको मैं कहता हूँ टू डॉट टू स्ट्रिंग, कंसोल डॉट लॉग ठीक है, इसकी टाइप नंबर है लेकिन इसको मैं कंसोल करूँगा। अच्छा, मैं इस तरह से बात करता हूँ, अब ठीक है। ये टू है, इसके अंदर मेरे पास टू इंटीजर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ टू डॉट टू स्ट्रिंग, ये इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
अच्छा स्क्रीन सबके लिए विजिबल है ना इस फॉन्ट साइज पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। लेट से ये मेरे पास एक वेरिएबल है और ठीक है, मैं खाली टू फिक्स लगाता हूँ तो इसने टू में कन्वर्ट कर दिया। और ये जब इसको राउंड ऑफ करता है ना तो अगर ये वो मैथ वाला रूल भी अप्लाई करता है, अगर पॉइंट के आगे पॉइंट फाइव वाली वैल्यू है तो ये टू जो है ये थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेट्स से तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी यहाँ पे बता दो, ये डेसिमल के बाद वाली उतनी क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करके दे देगा। बिल्कुल राउंड ऑफ करना है तो इस तरह से टू फिक्स है। जावा में सिर्फ मैंने वेरिएबल बनाया हुआ ना इसलिए उधर भी रन हो सकता है। ठीक है ये आ गया। अच्छा ये नीचे तीन मेथड्स हैं, ये नंबर्स वेरिएबल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये वाला जो टू है ना इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम सर्वर पे कॉल करते हैं ना हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी आ तो टू रही होती है, लेकिन वो टू जो है ना वो स्ट्रिंग कंडीशन में होता है। स्पेशली जब आप जेसन की फॉर्मेट में आपको डाटा मिलता है ना तो उसमें अक्सर स्ट्रिंग्स होती हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उसके लिए आपको इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके तीन मेथड्स हैं, नंबर होता है, पार्स इंट होता है, पार्स फ्लोट होता है। तो हम लोग पार्स इंट ट्राई कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ न्यू नंबर इक्वल्स पार्स इंट, और पार्स इंट को मैं ये वाला वेरिएबल पास करता हूँ टू कंसोल डॉट लॉग न्यू नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास टू जो है वो नंबर में आ गया। इसके बाद जावास के ऑपरेटर्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट पे असाइनमेंट ऑपरेटर की अभी तक हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पे असाइन कर देता है, बस सीधा सा काम है। जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी राइट साइड पे असाइन कर देगा। और क्योंकि जावास की जो टाइप है वो डायनामिक है इसलिए हमें बताना नहीं पड़ता उसको। हम यहाँ पे अभी मैंने टू लिखा हुआ था इंटीजर में, मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसने तब भी एक्सेप्ट कर लिया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बिल्कुल मैथ की तरह काम करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ टू प्लस टू, तो ये मुझे फोर रिजल्ट दे देगा। मैं कहता हूँ टू डिवाइडेड बाई टू
वन रिजल्ट दे देगा, बिल्कुल जैसे मैथ में हम लोग काम करते हैं सेम ये वैसे ऑपरेटर यहाँ पे काम करते हैं। और ये यहाँ पे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ var वन इक्वल्स वन, var टू इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वन प्लस टू, तो ये मुझे नीचे रिजल्ट दे रहा है थ्री। तो वैल्यूज डायरेक्ट भी पास की जा सकती हैं और वेरिएबल से थ्रू भी, यूजुअली हम लोग वेरिएबल से थ्रू ही ऑब्वियसली पास करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास कम होती हैं। मैं इसमें से जो मोटे मोटे ना वो करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेने, जिसमें प्रॉब्लम आएगी वो फिर नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे से डिस्कस कर लेना। हाँ, ये एक मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है बेसिकली, इसके साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट से मैंने जो है वो ऑड नंबर्स निकालने हैं, इवन नंबर्स निकालने हैं, तो मैं किसी भी वैल्यू को ये चेक कर सकता हूँ कि मैं इसको दो पे डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर में मेरे पास जीरो बच रहा है कि नहीं। और आपके पास अगर वेरियस नंबर हैं, जैसे एक अरे अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में थोड़ी देर में, यानी कि ज़्यादा नंबर है हमारे पास और उसके ऊपर हम लूप थ्रू कर रहे हैं, बारी बारी एक एक नंबर को चेक कर रहे हैं, और हर दफ़ा मैं उसको एक टू के साथ डिवाइड करके ये चेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितने ऑड नंबर हैं, कितने इवन हैं। कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर ऑड नंबर हो तो ये कर दो, इवन हो तो ये कर दो, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिमाइंडर हमें, ये वाला जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर टू मॉड्यूलस टू, तो ये मुझे जीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ऑपरेटर काम करता है। ये ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू आप वेरिएबल्स के थ्रू भी पास कर सकते हो। डबल स्टेरिक पावर लेने के लिए, लेट से मैं कहता हूँ टू स्टेरिक स्टेरिक, इस तरह से। उसके बाद प्लस प्लस सीधा सीधा प्लस करता है, अगर मैं टू प्लस प्लस करता हूँ इनवैलिड वजह, मेरे पास है जी टू, ठीक है, इसने एक जमा कर दिया। लेकिन ये अच्छा, इसमें दो तरह से ऑपरेटर्स होते हैं, एक में हम प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, एक को पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो प्लस प्लस मैंने बाद में लगाने, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए इसने मुझे वैल्यू जो है ना वो टू ही रिटर्न कर दी थी उस टाइम पर, कि इसकी वैल्यू टू है। वैल्यू रिटर्न करने के बाद उसने एक जमा कर दिया था, सो नेक्स्ट टाइम मैंने टू को कॉल किया तो वो मुझे थ्री दे रहा था। इसी तरह से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब इसमें तीन वैल्यू पड़ी हुई थी तो उसने पहले जमा किया है तीन के अंदर एक चार, और फिर मुझे रिटर्न किया है। सेम यही मेथड जो है ना, ये डिक्रीमेंट के लिए भी यूज़ होता है, माइनस करने के लिए वैल्यू, उसमें भी पोस्ट और प्री दोनों यूज़ होते हैं। ये समझ आ गई है, आगे चलें, किसी को समझ ना आई हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं चीज़ों को। लेट से मैं कहता हूँ टू डबल इक्वल्स टू, ये मुझे टू रिटर्न करेगा। और जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये आपको नॉर्मली ट्रू फॉल्स ही रिटर्न, बुलियन रिटर्न करते हैं। आपको एक्सप्रेशन हम पास करते हैं, उसके दरमियान में हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, और ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं यूजुअली। लेट्स से ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था आइडेंटिकल ऑपरेटर लगा दूँ तो फिर मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि आइडेंटिकल ऑपरेटर उसकी टाइप भी चेक करता है। इसी तरह से मैं ग्रेटर देन चेक कर सकता हूँ, लेस देन चेक कर सकता हूँ, नॉट इक्वल्स भी चेक करते हैं। लेट से मैं कहता हूँ टू इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, जिसमें फॉल्स रिटर्न किया। ये जो नेगेटिव ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप कोड कर रहे होते हैं तो नेगेटिव ऑपरेटर्स को अवॉइड किया जाता है। बहुत रेयर किसी जगह पे अगर आपने एक ही कंडीशन लगानी है तो आप नेगेटिव ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज निगेशंस को जो है ना वो रिकमेंड नहीं किया जाता। क्योंकि ये देखें, टू इज़ नॉट इक्वल टू टू, ये फॉल्स रिटर्न जा रहा है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, अच्छा दो दो के बराबर नहीं है तो ये ठीक जवाब है कि गलत जवाब है। दो दो के बराबर नहीं है तो ठीक जवाब है, लेकिन ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हालांकि वो ठीक रिटर्न कर रहा है।
क्योंकि अगर मैं इसको यूं करूं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए और मैं इसके ऑपोजिट में वैल्यू ले रहा हूं सर फॉल्स, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करते हैं, तो यूजुअली हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हाँ, अगर किसी जगह पे आपको सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी, लाइट से आपने लूप चलाया हुआ है और आपने सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है कि ये इसमें तीन तो नहीं आ रहा किसी जगह पर, तो मैं इस तरह से कर देता हूँ कि माई वार इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, तो ये मेरी कंडीशन लग गई। अब इसके अंदर मैंने एक स्पेसिफिक चेक लगा दिया, अब ये तब चलेगी जब पक्की बात हाँ, जब तीन नहीं होगा तो ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। बाकी सब यानी कि तीन के ऊपर ये कंडीशन नहीं चलेगी। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये मैं हाई लेवल पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन चीज़ों को हम लोगों ने आगे काफ़ी डिटेल से यूज़ करना है, अभी मैं सिर्फ हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जावास्क्रिप्ट में। एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर को हम दो चीज़ें पास करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ इसकी जो दोनों साइडों पे कंडीशंस है ना, अब मेरे पास एक ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे टू इक्वल्स टू का और एक और है थ्री इक्वल्स थ्री का, दरमियान में मैंने लगाया हुआ है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जितनी भी इसके लेफ्ट और राइट साइड पे एक्सप्रेशन है उनका जो रिजल्ट है वो दोनों ट्रू में होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसमें से एक भी गलत कर देता हूँ ना, ठीक है, मैं इसको इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, जबकि जो और ऑपरेटर है इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये सिर्फ ये देखता है कि जो इसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक्सप्रेशन है उसमें से किसी एक ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये ट्रू रिटर्न कर देता, ठीक है। तो और कंडीशन हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल चेक लगाने होंगे, चाहे मेरे पास दो आ जाए इंटीजर में, दो आ जाए स्ट्रिंग में, तो मेरा कोड चला दो, ठीक है, तो मैं वहाँ पे और लगा दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ टू इक्वल्स टू ठीक है, मेरे पास चाहे इंटीजर में आ जाए चाहे उसमें आ जाए तो आपने ट्रू कर देना है, या इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी इधर वाली फॉल्स हो रही है, इधर वाली ट्रू है, ये फिर भी मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, और अगर पहली वाली फॉल्स हो जाती है तो फिर ये दूसरी वाली को चेक करता है, लेकिन अगर पहली वाली ट्रू हो जाती है ना तो ये दूसरी वाली को चेक नहीं करता। इसके इस बिहेवियर को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। यूजुअली लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि और जो ऑपरेटर है वो शॉर्ट सर्किटिंग करता है, वो क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि अगर इसको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन मिली है अगर वो ट्रू हो जाती है ना तो ये दूसरी को चेक नहीं करता, ये शॉर्ट सर्किट कर लेता है, ये उसको स्किप करके नीचे की तरफ मूव, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें कोई भी एक ट्रू होगी तो उसने कोड को रन करना है, तो वो कहता है पहले चेक कर ली दैट्स इनफ, ट्रू है तो मैं कोड को रन कर देता हूँ। और एक हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जो है वो जो आपकी रिजल्ट होता है उसको उल्ट देता है, यानी कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में रिटर्न कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू में कर देता है। ये हम लोगों ने मिक्सिंग के साथ भी यूज़ किया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे मैं कहता हूँ टू इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, इस तरह से भी चेक हम लोग करते हैं, और जब बुलियंस के साथ है तो फिर हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं। जब भी हमें अपने रिजल्ट का ऑपोजिट लेना हो, लेट से आपने एक स्टेट कंडीशन लिखी है, नेगेटिव नहीं लिखी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन लिखी हुई है, अब आप उसको बिल्कुल ऑपोजिट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जब ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू में आए तो तब मेरा कोड रन नहीं होना चाहिए, फॉल्स में आए तो रिटर्न होना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे ये हाँ ये नोट लगा के तो फिर आप उसको कोड को रन कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपको कंडीशन भी समझ आ रही होती है पूरी, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो निगेशन के साथ नहीं होती, और स्टार्ट में नोट लगा होता तो आप उसको कैलकुलेट करके आपको पता चल जाता है ये ट्रू रिटर्न कर रही है तो ये इसको फॉल्स में रिटर्न कर रहा है वापस। जो मिक्सिंग्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर तो मैंने नहीं देखे मिक्सिंग्स, मिक्सिंग्स जो है ना वो सैस के अंदर पाए जाते हैं, सैस ये वाली सैस, ठीक है, इसके अंदर मिक्सिंग्स काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो सैस की चीज़ है, जावास्क्रिप्ट में मैंने नहीं देखी अभी तक।
अच्छा टाइप ऑफ ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, कोडिंग चैलेंज है ये आप लोगों ने करके वहाँ पे सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पे। इसमें ये सिंपल सा कोडिंग चैलेंज है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मार्क एंड जॉन दो बंदे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का बी एम आई कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बी एम आई होता है आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है ना, वो बी एम आई होता है, यानी कि इसमें ये चेक किया जाता है कि आपका जो वेट है और आपकी जो लेंथ है वो दोनों कंपेटिबल हैं एक दूसरे के साथ, या आपने वेट बढ़ा लिया या आपका वेट कम है। इसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या फिर एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। तो बी एम आई ऑपरेटर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मास जो होता है ना आपका जो वेट है वो के जी में होना चाहिए, उसको हम डिवाइड कर देते हैं हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट से, यानी कि हाइट एक्सपोनेंट लेके उसको मास के साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास बी एम आई आ जाता है। अच्छा, अब करना आप लोगों ने इस तरह से है कि दो वेरिएबल लेने हैं, एक में मार्क की मास आ जाएगा और हाइट आ जाएगी, फिर से दो वेरिएबल लेने हैं उसमें जोन का मास आ जाएगा और जोन की हाइट्स आ जाएगी, फिर दोनों का बी एम आई कैलकुलेट कर लेना है दो वेरिएबल लेके, तो आपके पास दोनों के अलग अलग से बी एम आईस आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लेना जो बुलियन टाइप का होगा, वो ये चेक करेगा कि किसकी वैल्यू हायर है, जोन की बी एम आई की या फिर इसकी जो दूसरा बंदा हमारे पास मार्क की। यहाँ तक क्लियर है? ये अभी तक हम वेरिएबल्स बना रहे हैं और उसमें सिर्फ वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ उनको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इफ एल्स वगैरह इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है ये अभी तक हम लोगों ने, क्योंकि जो पढ़ा नहीं है वो इस असाइनमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंट करना है वो कंसोल डॉट लॉग से कर लें, उसमें भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होगा, उसमें इस तरह से स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए बेसिकली एट द एंड। ये क्वेश्चन है हमारा, इज मार्क्स बी एम आई हायर देन जॉन्स, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग रिटर्न होगी एट द एंड, जब भी मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ट्रू आ रहा होगा यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा, यानी कि मैं आपके कोड में आऊँगा, आपके कोड में आके यहाँ तो मार्क की वैल्यू बढ़ा दूंगा या जॉन की वैल्यू बढ़ा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा कोड ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे यहाँ तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये छोटी सी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करके वहाँ पर सबमिट किया। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स कंडीशन, बिल्कुल बेस है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अच्छा, इफ एल्स कंडीशन बिल्कुल सेम जैसे हर लैंग्वेज में होती हैं, इफ उसके आगे ब्रैकेट्स आती हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं कोई भी, ठीक है, वो एक्सप्रेशन हमें यहाँ तो ट्रू रिटर्न करती है या फिर फॉल्स रिटर्न करती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कोड ब्लॉक होता है, ये इसका सिंटेक्स है, अगर तो ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करती है तो ये वाला कोड चल जाता है, कोड ब्लॉक ये वाला चल जाता है, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एक एल्स कंडीशन होती है और एल्स के अंदर फिर हम लोग यहाँ पे एल्स का कोड चल जाता है। लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ वार एज इक्वल्स 10, मैं कहता हूँ इफ एज कंपेयर करना तो डबल इक्वल्स लगाऊंगा या ट्रिपल इक्वल्स लगाऊंगा, 10 ट्रिपल इक्वल्स रिकमेंडेड होता, तो कॉन्सोल डॉट लॉग गो टू स्कूल else console dot log go to university, सेव करते हैं। तो ये मेरे पास क्योंकि एज 10 थी तो यहाँ पे ये go to school print हो गया, लेकिन what if के मुझे इसके अंदर एक और condition चाहिए हो, तो else if लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे if लगा के एक और कंडीशन पास कर सकता हूँ और यहाँ पे फिर एंड पे दोबारा से एल्स पास कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ एल्स इफ एज ट्रिपल इक्वल्स 14, तो कॉलेज और एल्स में फिर मैं उसको यूनिवर्सिटी में डालूँ।
और यहाँ पे हमें ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर नहीं लगाना चाहिए, बेसिकली हमें यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ लेस देन 10 हो तो वो स्कूल जा रहा है, लेस देन 14 है तो वो कॉलेज जा रहा है, वरना फिर वो यूनिवर्सिटी जाएगा। इसका मतलब है वो 14 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है इस टाइम। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम रिपीट करनी जरूरी है। क्लियर है सबको? ये फर्स्ट उसके बाद हमारे पास इसी के दो अल्टरनेटिव हैं, एक स्विच स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं या फिर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया करते हैं। तो वापस आता हूँ कोड में, यही ऊपर वाला सेम काम जो है ना वो मैं करता हूँ स्विच स्टेटमेंट के साथ। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ स्विच, स्विच को मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ एज का, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ केस। केस का मतलब है कि मैं फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। केस है मेरे पास लेस देन 10, ब्रेक कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, वहाँ पे हम लोग else कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है। डिफ़ॉल्ट ठीक है, इस तरह से ठीक रिटर्न कर रहा है, एग्जैक्ट केस मैच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने वाली। एक तो हम लोग हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो ये एग्जीक्यूट होता रहता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न कर देता है, यानी कि जितनी चीज़ें मैंने रिटर्न करवाई हैं सारी रिटर्न कर देता है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट एल्स की तरह काम करता है, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर वो लास्ट वाला एग्जीक्यूट कर देता है। स्विच स्टेटमेंट्स हम लोग बहुत कम केसेज में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इफ एल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका ना एक शॉर्ट फॉर्मेट है हमारे पास जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें ग्रेटर और लेस भी काम करता होगा, अभी के लिए मैं आपको देखता होता हूँ। अच्छा, इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आगे जब हमने रिएक्ट में जाना है तो 90% टाइम हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये मेरे पास वेरिएबल है टू, क्या नहीं 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 सॉरी एज, और इसको मैं कंपेयर करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ एज ट्रिपल इक्वल्स टू 10 और लेस देन 10 वट एवर जो भी मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगाना चाहता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, लेट से मैं कहता हूँ इट्स
स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लूँ क्योंकि ये एक लाइन पे आना। इस तरह से काम करता है, फर्स्ट पे हम लोग इसको कंडीशन देते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। उसकी बेस के ऊपर हम लोग आगे वाला जो कोड है वो डिसीजन लेते हैं। जो फर्स्ट वाला कोड है वो ट्रू की बेस पे चलता है और जो कॉलन साइन के बाद वाला कोड है वो फॉल्स की कंडीशन में चलता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला कोड चलेगा और अदरवाइज ये वाला कोड चलेगा। तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है गो टू कॉलेज, क्योंकि एज जो है वो हम लोगों ने 14 दी हुई है। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है, जब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगी तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें सिर्फ दो कंडीशंस पास कर सकते हैं? नहीं, इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। वो हम लोग यहाँ पे ना ट्रू के अंदर या फॉल्स के अंदर फिर से दोबारा कंडीशन लिखते हैं, फिर उसकी आगे कॉलन साइन के साथ फिर से दो वैल्यूज पास करते हैं, इफ़ ये जो फॉल्स वाली और ट्रू वाली, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वो रिएक्ट के स्टार्ट पे पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर विद मल्टीपल कंडीशंस। अभी के लिए सिंगल कंडीशन के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे चेक करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी हम लोगों ने, ठीक है, बस ब्रैकेट्स लगा देनी है तो ऑपरेटर काम चलते हैं। सो नेक्स्ट, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन क्लियर? उसके बाद ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज हैं। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज क्या होती हैं? बेसिकली जो फॉल्सी वैल्यू है ना, ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फॉल्सी वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो फॉल्स रिटर्न करती हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रिटर्न करती हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको इफ कंडीशन में लगाऊं, इफ जीरो ये मैंने इफ जीरो लगाया तो मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हालांकि हो जाना चाहिए। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं। वार रिजल्ट इक्वल्स क्या, मैंने रिजल्ट को दोबारा से कंसोल करवाया तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन में सिर्फ जीरो लिखा हुआ, तो जीरो जो है ना वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही वैल्यू है, फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैं जीरो इफ के अंदर लगा दूंगा तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज़ को फॉल्स ही वैल्यूज़ कहते हैं। ये हमारे पास जो फॉल्स ही वैल्यूज़ होती हैं ना, उसमें नल फॉल्स ही वैल्यू है, अनडिफाइंड फॉल्स ही वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर आप पास कर देते हैं वो भी फॉल्सी वैल्यू है, और नैन एन एंड नॉट अ नंबर जो होता है ये भी फॉल्सी वैल्यू, और जीरो भी फॉल्सी वैल्यू। इन पांच के अलावा आप कुछ भी लिखते हैं ना तो वो ट्रूथी वैल्यू, इन वैल्यूज़ के अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो ट्रूथी वैल्यूज़ होती हैं।
ठीक है, तो दूसरी वैल्यूज वो होती हैं जो फॉल्सी वैल्यूज नहीं है। तो बेसिकली हमें फॉल्सी वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज त्रुटि होती हैं। होता ही है कि वो इंटरव्यू में ना इस तरह से बहुत शॉर्ट सेंटेंस के साथ ना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी वैल्यूज त्रुटि हैं कौन सी फॉल्सी हैं। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगी जो कि ग्रेटर देन होगी या ट्रिपल इक्वल के साथ चेक कर रहा होगा या डबल इक्वल के साथ चेक कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने की बजाय ना फॉल्सी वैल्यू डाल देते हैं या त्रुटी वैल्यू डाल देते हैं। तो आपको फिर यहाँ पे इसलिए मैंने ये इस तरह से करके दिखाया कि आपको उस टाइम पे याद आ जाए कि यहाँ पे अगर त्रुटी फॉल्सी वैल्यू है तो वो बाई डिफॉल्ट फॉल्स या ट्रू रिटर्न कर रही है, तो फिर इधर से वो वाली जो एक्सप्रेशन है हमारी उस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद फंक्शंस हैं हमारे पास, फंक्शंस जो हैं वो ड्राई रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्राई मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, तो जहाँ पे भी हमारे पास कोड के अंदर रिपीटेशन आ रही हो उसको हम लोग उठा के एक फंक्शन में डाल देते हैं और उस फंक्शन को हम लोग वहाँ पे कॉल कर लेते हैं जहाँ जहाँ वो कोड दो जगह पे यूज़ हुआ है तो दो जगह पे कॉल कर लेंगे, तीन जगह पे यूज़ हुआ है तो तीन जगह पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है कि फंक्शन का कीवर्ड आता है उसके बाद नेम आता है, तो मैं कहता हूँ माई फंक, नेम कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी का, लेकिन यूजुअली नेम इस तरह से रखा जाता है कि नेम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अगर मैं ऐड का फंक्शन लिखने जा रहा हूँ तो उस फंक्शन का नाम ऐड होना चाहिए। उसके बाद ये ब्रैकेट्स आती हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आती हैं, पैरेंथेसिस उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग माय फर्स्ट फंक, क्या ये मैंने फंक्शन लिख लिया यहाँ पे। अब फंक्शन कॉल करने के लिए माय फंक और इसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं इसको तीन दफ़ा यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये तीन दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एक फंक्शन बना लिया, आप उसको कोड में जहाँ जहाँ कॉल करते जाएंगे वो वहाँ वहाँ पे एग्जीक्यूट होता जाएगा। अच्छा, लेट्स से अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन उसका नाम है ऐड और यहाँ पे मैं कहता हूँ वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू, ये मैं दो आर्गुमेंट्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू करके मैं कंसोल करवा रहा हूँ। अब मैं फंक्शन अपना कॉल करूँगा, फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस और मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास करनी है, वो दो वैल्यूज़ यहाँ पे रिसीव होंगी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में, और दोनों प्लस करके इसके अंदर मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ दोनों को जमा कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ टू एंड थ्री, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये मुझे फाइव रिटर्न कर रहा है। बेसिकली ये इस प्रैक्टिस का पर्पज़ ये है कि हम लोग ये देख सकें कि हम लोग फंक्शन को आर्गूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल दो मैंने यहाँ पे पास किए इनको आर्गूमेंट्स बोलते हैं। फंक्शन से ऊपर मतलब ये फंक्शन कर सकते हैं कॉल पर, नहीं नहीं एरर नहीं देगा, फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं होस्टिंग, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग। होस्टिंग के ऊपर हमारे लेक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपका जो इंटरव्यू है ना वो 60% होस्टिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कौन कौन सी चीज़ें होस्ट होती हैं कौन सी नहीं होती, होस्टिंग होती क्या है, उसके ऊपर लेक्चर है हमारा पूरा कंप्लीट। ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन के लेक्चर्स हैं ना उसमें से एक लेक्चर है कि जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरह से बिहेव करता है, उसकी एक टर्म है होस्टिंग। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको, फंक्शन के आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं आगे, कोई किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो ऑल क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंटैक्स हम लोगों ने देख लिया, फंक्शन को कॉल करना भी देख लिया, आर्गुमेंट भी पास करके देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन, ये वही चीज़ थोड़ी डिटेल के साथ बताई गई है। ये दूसरी चीज़ है फंक्शन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो हम लोग अभी तक लिख रहे थे ना इसको फंक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, लेकिन ये फंक्शन लिखने का एक और तरीका हम लोग देखने लगे हैं, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहा जाता है। इन दोनों का ताल्लुक भी होस्टिंग के साथ है, जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे तो फिर आपको दोनों का डिफरेंस ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ कि दो सिंटैक्स हैं। जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्राम रीड होता है वो लाइन टू लाइन नहीं होता,
आपके मुताबिक होता, आपके मुताबिक यहाँ पे एरर आना चाहिए था, ये कह रहे हो ना? तो मैंने बताया तो है कि जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है हुई स्ट्रिंग का, जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया। कोड लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है, एक चीज़ पूरी एग्जीक्यूट होती है तो फिर दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन जब सारे कोड हम उसको देते हैं ना फर्स्ट टाइम, हर दफ़ा री रेंडर हो रहा है ना पूरा कोड हमारा, पूरा पेज री रेंडर हो रहा है। जब पूरा पेज री रेंडर होता है ना तो वेरिएबल्स और फंक्शंस वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि ऊपर टॉप पे चले जाते हैं, कॉलिंग उसकी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, ठीक है? और एरर देखना, तो भी मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ, एरर भी आ जाएगा। तो लेट से फंक्शन लिखने का दूसरा तरीका है हमारे पास, मैं कहता हूँ माई एड फंक इक्वल्स इसको, ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्या, और ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 5 रिटर्न हो रहा है। लेट से मैं यहाँ पे 3 करता हूँ ताकि 6 रिटर्न हो, हमें पता चल जाइए हमारा ये वाला फंक्शन चल रहा है, चल रहा है, ठीक है? अब इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं विदाउट नेम। यहाँ पे मैंने फंक्शन की कीवर्ड के बाद नाम नहीं लिखा, और इस फंक्शन को विदाउट नेम जो फंक्शन होता है इसको एक वेरिएबल में वेरिएबल बनाते हैं और ये फंक्शन उसको असाइन कर देते हैं। अब ये पूरे का पूरा फंक्शन इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, ठीक है? और जब मुझे कॉल करना है तो मुझे इस वेरिएबल का नाम लिख के उसके अंदर वो वैल्यूज पास करनी है, जो भी करनी है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब अगर मैं इसको ऊपर कॉल करूँगा ना तो अब एरर आएगा, ठीक है? ये एरर आएगा, वो कह रहा मुझे ये फंक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन इस बारे में अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया, ये हमारे आज के टॉपिक का पार्ट नहीं है कि एरर आया तो क्यों आया, क्यों नहीं आया तो क्यों नहीं आया। अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फंक्शन लिखने के दो तरीके हैं, एक फंक्शन स्टेटमेंट है और एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे, जिसमें हम लोग एक वेरिएबल को, बल्कि बहुत सारी जगह पे हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन ही यूज़ करते हैं। आगे हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स पढ़ने, ऑब्जेक्ट्स के अंदर 100% हम लोग ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर इसमें हम आर्गुमेंट ना देते इसको तो नीचे फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस लगानी होती है अगर डाल गया फिर भी काम चलेगा। ये देखो ये तो फंक्शन कॉलिंग है ना, ये फंक्शन कॉलिंग, यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन फंक्शन जो है वो मेरा दो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज ना करें, सिंपल एक कंसोल में ऐसे कर देंगे, हाँ तो चल जाएगा, जरूरी नहीं है। ये तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास की हैं, लेट से क्या कहना चाह रहे हो आप, चाह रहे हैं कि दो एक ऐसा फंक्शन, हम वैसे कुछ लिखना चाह रहे हैं कि हेलो हेलो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे ये लिखा था, हाँ जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि नीचे जब हमने उसे कॉल किया तो माय एड फंक के साथ पैरेंथेसिस लगाए, तो वो अगर हम उसमें आर्गुमेंट ना हो तो फिर वो भी उस टाइम भी लगाना जरूरी है। फंक्शन जब भी आपने कॉल करना है ना आपने पैरेंथेसिस लगानी है, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे ना तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे ये वाली इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो मैंने 2 और 5 लिखी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाली वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये लूप के अंदर भी हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हो सकता है हमारे पास, और ये यूज़र की इनपुट भी हो सकती है, ये फॉर्म की वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अभी के लिए तो हम सिर्फ फंक्शन का सिंटैक्स देख रहे हैं ना कि इस तरह से लिखा जाता है, तो मैं इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेट से वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ वेरिएबल 1 equals 1, ठीक है? फिर मैं कहता हूँ वेरिएबल वो तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, प्रॉम्प्ट से लेते हैं वैल्यू, प्रॉम्प्ट से, और यूजर से वैल्यू हम लोग प्रॉम्प्ट को छोड़ दो, हम लोग यूजर से वैल्यू फॉर्म्स के थ्रू लेते हैं,
ठीक है, रन टाइम पे लेनी हो ना तो प्रॉम्प्ट के थ्रू लेते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग वो यूज़ नहीं करते, प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं करते। यूज़र से वैल्यू लेने का सबसे बेस्ट वे जो है वो फॉर्म्स है, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स के थ्रू वैल्यूज लेते हैं हम लोग। फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट के स्टार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फॉर्म्स के साथ ही प्ले करना देखें, क्योंकि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन बनानी है उसमें हम लोगों ने टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में यूज़र एंटर करेगा टू डू और क्लिक करेगा तो फॉर्म की सारी हैंडलिंग होगी, उसके थ्रू हम लोग फिर वहाँ से वैल्यू गेट करके नीचे शो करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ भी हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर सकता हूँ तो वेरिएबल किसी जगह से भी आ सकता है, वो यूज़र से भी आ सकता है, वो किसी रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्योर फंक्शंस। प्योर फंक्शंस जो हैं वो टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर फंक्शंस के बारे में ना अक्सर एक तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, और वो आपको फंक्शन बना बना के भी पूछते हैं कि ये फंक्शन प्योर फंक्शन है कि नहीं, आपने बताना है। इसकी ना दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है प्योर फंक्शन की। प्योर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अपनी इनपुट्स, जो उसको इनपुट्स दी जा रही हैं उनको, या अपने फंक्शन के बाहर किसी भी वेरिएबल को चेंज ना करे, ठीक है, तो वो फंक्शन प्योर फंक्शन होता है। लेट्स से जैसे ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें मैं दो वेरिएबल पास कर रहा हूँ, एक वेरिएबल है ए और एक है बी, और यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ सी, जिसके अंदर मैं दोनों को जमा करके सी में रखवा रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ सी को। अब ये किसी भी, इसको मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ये दो वैल्यूज़ को प्लस करके तीसरा वेरिएबल लेके उसमें वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू किसी को भी चेंज नहीं कर रहा, ना फंक्शन से बाहर और ना अपनी किसी इनपुट को। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ ना, लेट ए इक्वल्स ए प्लस बी, तो ये प्योर फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपनी ही एक वैल्यू को ले रहा है एज अ वेरिएबल और उसके अंदर उन दोनों वैल्यूज को जमा करके उसके अंदर रखवा रहा है, तो ये प्योर फंक्शन नहीं है। और लेट से अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वार सी, ठीक है, या लेट सी, लेट और वार में कन्फ्यूज नहीं होना, ये ES6 की चीज़ें हैं, लेट भी वार ही होता है, इसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ C इक्वल्स A प्लस B, अब ये प्योर फंक्शन है कि नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि ये एक वेरिएबल बाहर पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ये प्योर फंक्शन नहीं है। और ये हमारा प्योर फंक्शन है, क्लियर। आगे चलें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बताना ज़रूरी था। उसके बाद हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट के बाय डिफॉल्ट मेथड्स कह सकते हैं या फंक्शंस कह सकते हैं, इनको टाइमर फंक्शंस कहते हैं हम लोग। कि लेट्स से हमने कोड के अंदर कुछ चीज़ डिले के साथ एग्जीक्यूट करनी है या बार बार एग्जीक्यूट करनी है, तो हम लोग कैसे करते हैं और उसको फिर क्लियर कैसे करवाते हैं, तो क्विकली इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कहता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट दो पैरामीटर्स लेता है, फर्स्ट पैरामीटर इसका जो है वो कोई फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और कॉमा डाल के दूसरा पैरामीटर जो है वो डिले होता है, और डिले जो है वो ms में होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, 2000 ms का मतलब है 2 seconds। तो यहाँ पे मैं फंक्शन ऊपर फंक्शन लिख के भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर भी मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, तो मैं इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन लिख लेता हूँ, फंक्शन इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेट से कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर 2 seconds, सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। ये पेज लोड हुआ और 2 seconds के बाद हमारे पास फिर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है आफ्टर 2 seconds। तो यहाँ पे मैं जितना डिले ज़्यादा डालता जाऊँगा कि उतने डिले के बाद हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा फंक्शन। उसके बाद दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल जो है ये रिपीटेशन के साथ सेम वही काम करता है सेट टाइम आउट वाला, लेकिन रिपीटेशन के साथ। यहाँ पे जो मैं इंटरवल के अंदर ये मैं कौन सोल्व करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आगे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, और इंटरवल इसको मैं दे रहा हूँ 2000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन का सिर्फ कीवर्ड नहीं यूज़ हुआ हुआ तो परेशान नहीं होना, कोई ये एरो फंक्शन अंदर कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है, जैसे ही है। इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सिंटैक्स चेंज कर देता हूँ,
ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये हर 2 सेकंड के बाद ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, 3 दफ़ा हो गया, ठीक है, ये सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसको अगर हमने रोकना हो तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में रखते हैं, मैं कहता हूँ माई न्यू फंक, या इसको मैं कह सकता हूँ स्टॉप फंक इक्वल्स, इसके अंदर मैंने ये वेरिएबल रख दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं, अब ये हर 2 सेकंड के बाद चल रहा है, अभी तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल्स, इसके अंदर मैं वो वेरिएबल पास करूँगा जिसके अंदर मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये वाली पूरी, तो वो है मेरे पास स्टॉप फंक, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये चलना बंद हो जाएगा, क्लियर। ये 3 टाइमर फंक्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए तीनों एक्सप्लेन कर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अरेज का। जी जी, अभी ये सेट डायग्राम को क्या रखा, इसका सिंटैक्स बाकी से डिफरेंट है, मतलब बाकी में एक जगह आपने बताया था कि वेरिएबल के अंदर फंक्शन ऐड कर रखा है, एक और जगह में आपने फंक्शन का नाम लिखा था, फंक्शन फिर उसका नाम और ब्रैकेट्स, इसके अंदर डायरेक्ट सेट टाइम आउट करके फिर ब्रैकेट्स के साथ ही अंदर फंक्शन, मतलब ये, हाँ ये उनसे चेंज है क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बने बनाए मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे ये सेट टाइम आउट है, तो ये सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में है कि जब आप सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करें, अब बेसिकली मैं ये फंक्शन बना नहीं रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब आप फंक्शन का नेम लिख के आगे पैरेंथेसिस डालते हैं इसका मतलब है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ऐसे ही बनाते नहीं हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये एग्जीक्यूट किया वहाँ पर, अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो जैसे इसके अंदर हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास किया था 1 और 2, इसी तरह जावास्क्रिप्ट कहता है कि इसके अंदर आप 2 पैरामीटर्स पास करें, जो फर्स्ट है वो इटसेल्फ फंक्शन होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूट हो, और कॉमा डाल के दूसरा जो आपने वेरिएबल पास करना है वो डिले के तौर पे काउंट हो जाएगा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ फंक्शन तो हमें उसको फॉलो करना है, अगर हमें अपना फंक्शन बनाना है तो फिर हम ऊपर वाले सिंटैक्स को यूज़ करके अपना फंक्शन बना सकते हैं। ये 3 फंक्शन जो हैं ये टाइमर फंक्शन बाई डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों जो हैं वो 2 इसमें से जो 2 हैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये 2 पैरामीटर्स लेते हैं, और जो क्लियर इंटरवल है वो सिर्फ 1 पैरामीटर लेता है, ठीक है, उसमें हम फंक्शन की आईडी या फिर वो वेरिएबल का नाम जिसके अंदर फंक्शन पूरा हम लोग रख देते हैं वो पास करते हैं, तो वो उस फंक्शन को जाके स्टॉप करवा देता है। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अरेज। अगर अभी के लिए आप लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक तो फिर हम लोग अरेज पढ़ते हैं, वरना अरेज नेक्स्ट लेक्चर में की जा सकती है। जो जो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ, यानी कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में क्लियर किए हैं, ओवर बर्डन ना हो जाए, तो जो लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हो वो ज़रा हैंड रेस कर लें, वोटिंग हो जाए ना, बहुत सारे बाकी सारे कह रहे हैं इधर ही पढ़ना, आज ही पढ़ना, ठीक है जी, मेजोरिटी इज़ अथॉरिटी, अरेज पढ़ते हैं। जो फंक्शन हमने सेट टाइम आउट में किया है हम बाहर भी डिफाइन करके अंदर कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है अरेज का। अरेज बिल्कुल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ ये होता है कि एक अरे के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स पड़े होते हैं, तो लेट से मैं कहता हूँ वेरिएबल अरे बनाने के हमारे पास 2 सिंटैक्स हैं, मैं कहता हूँ वार माई अरे इक्वल्स, न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं और अरे का मेथड कॉल करते हैं, तो अभी मेरे पास अरे बन गई है माई अरे। यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं आके माई अरे कॉल करता हूँ, तो अब ये मुझे खाली 2 बड़ी वाली ब्रैकेट शो कर रहा है और इसके स्टार्ट पे एरो लगा हुआ है, इसको मैं खोलता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये अरे है और इसकी लेंथ 0 है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर मुझे इसके अंदर कुछ डालना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है पुश का, जो अरे के एंड पे वैल्यू इंसर्ट करता है, तो मैं कहता हूँ डॉट पुश लेट्स से साबिर, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ माई अरे, तो अब ये मुझे कह रहे हैं कि आपकी अरे जो है इसकी लेंथ 1 है और इसके 0 इंडेक्स के ऊपर साबिर है। इसी तरह से मैं इसके अंदर एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ,
अब यहाँ पे आके हम लोग अपनी अरे को देखें तो ये इसके अंदर इसकी लेंथ जो है वो 2 हो गई है और 0 इंडेक्स पे साबिर है और 1 इंडेक्स पे हुसैन पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली ये वेरिएबल की एनहांस्ड फॉर्म है, इसमें हम एक जगह पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यू कंटिन्यूसली रख सकते हैं और ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, 0, 1, 2 इस तरह से। इसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और सो ऑन आगे की तरफ चलता जाता है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 पे अवेलेबल होती है और फिर आगे वैल्यूज। अब अगर मुझे इसमें से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं ये लिखूंगा माई अरे, बड़ी वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है और इंडेक्स पास करना है। तो मैं कहता हूँ 0 इंडेक्स पे जो है वो रिटर्न करो, तो ये मुझे 0 इंडेक्स वाला रिटर्न हो गया। ये सिर्फ मैं इसमें से रिटर्न करवा रहा हूँ, रिमूव नहीं होगा। अगर मैं दोबारा अपनी अरे चेक करता हूँ तो मेरी अरे वैसी की वैसी है, मैं सिर्फ उसमें से वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अरे बनाने का ना दूसरा भी तरीका होता है हमारे पास, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये वाला तरीका हम लोग यूज़ नहीं करते, ये तो मैंने अभी बताया आपको। जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो लेटेस्ट तरीका है इसका, उसके अंदर हम लोग करते हैं वाई वार माई अरे। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, और यहाँ पे लगाते हैं फ्रेंड्स बड़ी वाली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं, और इसके अंदर आप डायरेक्ट अपनी वैल्यूज पास कर देते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ माई अरे, और ये मेरे पास सेम वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मेथड वही वाले दो दोनों मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे वो यहाँ पे भी होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ माई अरे डॉट पुश अली, तो ये इसकी जो अच्छा जो पुश मेथड है ना ये एंड पे पुश भी करता है और रिटर्न जो करता है ना वो लेंथ रिटर्न करता है। अब इसकी लेंथ 3 हो गई है, तो मैं दोबारा अपनी अरे देखता हूँ तो ये इसके अंदर तीसरी वैल्यू भी पड़ी हुई है मेरे पास। इसी तरह हमारे पास एक मेथड होता है पॉप का, पुश का मेथड एंड पे रिटर्न करता है, पॉप वाला मेथड एंड से एक वैल्यू उठा के लाता है मेरे पास। तो अगर मैं कहता हूँ माई अरे डॉट पॉप, तो ये मेरे पास वैल्यू उठा लाया और इसने अरे में से वैल्यू रिमूव भी कर दी है। मैं बिल्कुल सिंपल दोबारा समझाता हूँ सिंपल तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो रहा है। तो पहले हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अरे तो हम लर्न बना ली, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास माई अरे है, इसके अंदर मेरे पास दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 0 पे साबिर पड़ा हुआ है, 1 पे हुसैन पड़ा हुआ है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास, इसके अंदर वैल्यू मैंने इंसर्ट करनी है, तो कौन सा मेथड है? डॉट पुश, ठीक है, पुश के साथ मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब अगर मैं अपनी वैल्यू अरे चेक करता हूँ तो मेरे पास 3 है, एक काम हो गया, हम लोगों ने वैल्यूज इंसर्ट कर दी। दूसरी वैल्यू चेक करनी है किसी भी इंडेक्स के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स लिखूँगा और मेरे पास वैल्यू 2 आएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इंसर्ट करनी देखी है और वैल्यू गेट करनी देखी है। अच्छा, अब अगर मैंने किसी एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चेंज करनी है, किसी एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू अगर चेंज करनी है, लेट से मैं कहता हूँ 2 के ऊपर अभी अली है, तो मैं इसको यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ लेट से आमिना, ठीक है। अब मैं अपनी माई अरे चेक करूँगा तो ये मेरे पास जो सेकेंड इंडेक्स था जो दिन के थर्ड था नंबर 2 पे 0, 1, 2 उसके ऊपर वैल्यू मेरी चेंज हो गई है। तो हम लोगों ने इंसर्ट करना देख लिया, वैल्यू गेट कर सकते हैं और वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या मेथड देखा था हम लोगों ने, पॉप, ठीक है। तो पॉप वैल्यू जो है वो एंड वाली वैल्यू निकाल के आपको वापस रिटर्न कर देता है। सर आपने अली को पुश किया तो वो 3 रिटर्न कर रहा, वो अली की लेंथ से ऊपर था? नहीं नहीं, अरे की पूरी अरे, क्योंकि ये अरे की लेंथ 3 हो गई थी ना हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक और कोई किसी को भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्लियर? चलते हैं यहाँ पे जाते हैं। देखते हैं तोड़ी अरे वहाँ पे नहीं जाऊँ, हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, आप 2D से भी 3D यूज़ करते हैं।
अच्छा, हमारे पास एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग अरे बोलते हैं। अरे के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में पड़े होते हैं। इसकी जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज़ करते? ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में डाटा पड़ा होता है। तो ऑब्जेक्ट्स हम वैसे ज़्यादातर हम लोग ऑब्जेक्ट्स ही अब यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई ऑर्डर्ड फॉर्मेट में चीज़ चाहिए हो तो फिर हम लोग अरेज़ की तरफ वापस आ जाते हैं, तो फिर हम लोग अरेज़ यूज़ करते हैं। अरेज़ डिक्लेरेशन दो सिंटैक्स है, दोनों हम लोगों ने देख ली हैं। एलिमेंट गेट करने के लिए जो है वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स पास करते हैं तो वो हमें एलिमेंट रिटर्न कर देता है। रिप्लेस करने के लिए उसी स्क्वायर ब्रैकेट के आगे इक्वल साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वैल्यूज पास करते हैं तो सेम इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाती है। न्यू वैल्यू पुश करनी हो तो डॉट पुश का मेथड है, तो दोनों इंडेक्स बताने पड़ेंगे उसको, दोनों वो वैल्यू उठा के वहाँ पे, वो वैल्यू उठा के वहाँ पे, दोनों इंडेक्स पास करने। अच्छा, उसके बाद न्यू वैल्यू पुश के साथ हम लोग इंसर्ट करते हैं। टोटल काउंट जो है वो लेंथ के साथ हमें मिलता है, लेंथ 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 यहाँ पे। वैसे तो इसको खोलूँ तब भी लेंथ आ रही होती है, और यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ देना चाहें तो डॉट लेंथ, तो ये हमें टू रिटर्न कर, इसकी जितनी भी लेंथ है वो दो इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि तीसरी हम लोगों ने उसमें से वैल्यू निकाल ली हुई है। अभी हमारे पास जो अरे है उसमें सिर्फ साबिर और हुसैन पड़ा हुआ। अच्छा, अरे कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप। अब ये जो अरेज है ना ये हर तरह के एलिमेंट्स स्टोर कर सकती हैं। अब जो आप 2D अरेज कह रहे थे ना, वो 2D अरेज जो है ना वो इसमें काइंड ऑफ इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थर्ड एलिमेंट के ऊपर एक और अरे ले ली खुद से, सिर्फ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एप्पल ऑरेंज, ठीक है, और उसके बाद मैंने कॉमा डाला और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ये दरमियान वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जो कुछ भी लिख सकते हैं वन, ठीक है। ये खैर ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है, इसमें कन्फ्यूज नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अरेज के हर एक एलिमेंट के ऊपर, ये फर्स्ट एलिमेंट है अरे का, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, हर एक एलिमेंट के ऊपर आप किसी भी टाइप की वैल्यू ला सकते हैं। वो इटसेल्फ अरे हो सकती है, वो एक वेरिएबल हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो नंबर हो सकता है, ठीक है, वो अरे इनसाइड एन अरे कुछ भी हो सकता है, वट एवर, ठीक है। ये तो मैं लिखा ना मैंने खुद से, इसलिए पता चल रहा है कि जीरो से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स, तो फर्स्ट वाली वैल्यू को जीरो इंडेक्स स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, सो ऑन चलता जाएगा इस तरह से। ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी मैं सिर्फ डाल के दिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं यहाँ पे आता हूँ माई अरे, ठीक है, अब मैं इस अरे को यहाँ पे एक्सपेंड किया तो ये मुझे बता रहा है कि जीरो के ऊपर स्ट्रिंग पड़ी हुई है, टू पर भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, और जो थर्ड इंडेक्स है मेरा उसके ऊपर फिर से एक अरे पड़ी हुई है, इसको मैं फिर से एक्सपेंड कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। अब जो अरे के अंदर अरे है वो सिंपल इसी तरह सक्सेस हो जाएगी, माई अरे, ठीक है, इसका मैं इंडेक्स बताऊँगा, इंडेक्स है मेरे पास 2, ठीक है, अब ये मेरे पास पूरी अरे रिटर्न होगी, इसके ऊपर मैं आगे जो मर्जी करता जाऊँ, ठीक है। ये वाली जो मेरी चीज़ है ना ये इस पूरी अरे को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको मैं डॉट पुश कर सकता हूँ, डॉट पॉप कर सकता हूँ, इसके अंदर किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, वट एवर, जो भी हम लोगों ने अभी तक ऑपरेशंस पढ़े हैं वो सारे इसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वैसे ये इतना कॉम्प्लेक्स अरे इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, इसकी जगह पर फिर हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, वो ईजी टू हैंडल है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट गेट करना हो, मतलब अगर वन को गेट करना हो तो डॉट से गेट करेंगे, डॉट से ऑब्जेक्ट्स में डॉट यूज होते हैं, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं अभी जा रहा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ने काफ़ी डिटेल के साथ, तो फिर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, आज का लेक्चर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो है ना वो अरेज के मेथड देखेंगे सारे डिटेल के साथ, और फिर आगे ऑब्जेक्ट्स पे मूव हो जाएंगे।
कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? चलो ठीक है। क्लियर इंटरवल के अंदर जो है ना, इस तरह से क्लियर इंटरवल के अंदर फंक्शन का नाम पास करना होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर। लेट से ये देखो, ये मैं वैल्यू लेता हूँ var my num equals 2.8 लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ my num dot 2 fixed। अगर मैं सिर्फ इतना कॉल करता हूँ ना, इसको खुद ही फिक्स कर देता है। टू फिक्स का मतलब होता है लेंथ लेना, उस फ्लोट एलिमेंट जो है ना आपके पास, डेसिमल एलिमेंट जो है उसकी लेंथ लेना। अगर मैं टू फिक्स कॉल करता हूँ, वो उसको खुद ही से मर्ज करके मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से ऊपर है वैल्यू तो ये 3 हो जाएगा, तो उसने 3 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं डेसिमल से आगे वाली वैल्यू लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से है वेरिएबल, ठीक है, तो टू फिक्स के अंदर अगर मैं दो वैल्यू पास करता हूँ तो वो डेसिमल की दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, ठीक है। एक करता हूँ तो एक डेसिमल की एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तीन करूँगा तो डेसिमल की तीन वैल्यूज रिटर्न करेगा, ठीक है। टू फिक्स जो है वो ये तो आपकी जो लेंथ है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा है। टू स्ट्रिंग जो है वो सीधा स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करके सेंड कर देता है आपको। जब भी आपको कोई आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन आपने उसको एज अ स्ट्रिंग शो करवाना, तो आप उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हो। और टू स्ट्रिंग का जो मेथड है ना, वो जावास्क्रिप्ट तकरीबन हर एक एलिमेंट के ऊपर चल जाता है, ठीक है। अरेज को भी टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं, नंबर्स को भी कर सकते हैं, तकरीबन हर एक के ऊपर टू स्ट्रिंग चलता है। वो उसको उस वैल्यू को पकड़ता है और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेंड कर देता है आपको। सेट टाइम आउट हम लोग बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन के लिए वो बना हुआ। लेट्स से सेट टाइम आउट क्या करता, सेट टाइम आउट क्या करता, सिर्फ फर्स्ट टाइम पे जब फाइल लोड होती है उसमें डिले डाल के आपका कोड एग्जीक्यूट कर देता। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक पॉपअप शो करो वेबसाइट के लोड होने के 10 सेकंड के बाद, ठीक है, तो आप पॉपअप की जो एग्जीक्यूशन वाला कोड है वो सेट टाइम आउट में डाल दोगे, ठीक है। इसी तरह सेट इंटरवल जो है और रिपीटेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि किसी एक जगह पे आपने कोई एक एनिमेशन लगाई हुई है या आपने कोई चीज़ पॉपअप करवाई हुई है और वो पॉपअप शो हाइट होती जा रही है, और आपने उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपने उसको क्लियर करवाना, ठीक है, या आप स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर क्लियर करवाना। फॉर एग्जांपल आप यूज़र को बटन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइट कर लो, तो जैसे उसको क्लिक करेगा या क्लिक करके उसको स्टॉप कर लो, चीज़ जो है वो छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, उसको क्लिक करके स्टॉप कर लो, तो क्लिक करने पे आप उसको क्लियर इंटरवल करवा दो, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट वाली स्टेट में चली जाएगी। ओके, अरे के ऊपर टू स्ट्रिंग का हम कैसे अप्लाई करेंगे, किस पे? तो डिफरेंट अरे पे करेंगे ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अरे के सारे मेथड्स हैं उसमें, है टू स्ट्रिंग का मेथड। और कोई क्वेश्चन किसी, वो अरे को ना कॉमा इन्वर्टेड स्ट्रिंग बना के सेंड कर देता। सर जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में दे दी या नेक्स्ट ना, आपने सबमिट कर देनी है वहाँ पे नेक्स्ट क्लास से पहले गूगल क्लासरूम पे। तो वो उसका गूगल क्लासरूम का एक्सेस वगैरह आपने फी वगैरह सबमिट कर दी, आपको एक्सेस मिल गया होगा आपके जीमेल आईडी के ऊपर। जिसको नहीं मिला वो आज लाजमी लेके जाएँ सर कामरान के पास जाएँ, वो आपकी फी क्लियरेंस देखेंगे, उसके बाद आपका जो जीमेल लेके ना आपका जीमेल वो गूगल क्लासरूम पे के ऊपर आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे नोटिफिकेशन भी सारे वहीं पे आ रहे थे तो वहाँ पे ऐड करवा लें, जो जो अभी तक नहीं ऐड वो वहाँ पे ऐड करवा लें, ठीक है जी। लेक्चर क्लोज करें आज का।